नमस्कार, मैं अमरेंद्र, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल पब्लिक उड़ान न्यूज़ पे। और अभी मैं काफ़ी लंबी दूरी तय करके एक लास्ट बिहार यानी कटिहार, बंगाल से सटा हुआ सीमा और झारखंड से सटा हुआ सीमा से हट के बिहार के एक अलग क्षेत्र मिथिला क्षेत्र के मधुबनी में हूँ। और मधुबनी का ये सहरघाट मधवापुर प्रखंड में हूँ। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ के एक युवा है जो कि काफ़ी एज से काफ़ी कम लगते हैं, हालांकि इनकी जो अचीवमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैं जितना कहूँगा उतना ही कम हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारा कॉन्टेंट ही होता है ड्रीम इलेवन का विनर। तो ऐसे में आज हम आ चुके हैं सहरघाट में और हमारे साथ जिस युवा को देख रहे हैं इनका नाम शानू मेहता है और इन्होंने भी ड्रीम इलेवन पे अच्छी खासी अचीवमेंट की है, तो सारी बातें इनसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम शानू कुमार मेहता है। शानू कुमार मेहता है, तो कंटिन्यू देख रहे हैं कि आप वायरल चल रहे हैं कि आपने ड्रीम इलेवन पे अच्छा खासा अचीवमेंट लिया है, क्या हुआ है आपके साथ? हाँ, मैं देख रहा था पहले, मैं फर्स्ट आया हूँ इसीलिए मुझे इंटरव्यू लेने के लिए बहुत आदमी आए थे। अच्छा। और अच्छा भी लग रहा है। तो कितना आया है आपको फर्स्ट रैंक पे? फर्स्ट रैंक पे 1 करोड़ आया था जिसमें 30% सरकार ने ले लिया। सरकार ने ले लिया, हाँ। तो काटने के बाद टोटल कितना मिला आपको? 70 लाख रुपये मिला है। 70 लाख रुपये मिला। ये बताइए कि आप कौन सा मैच लगा रखे थे जिसमें आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट? ऑस्ट्रेलिया में बिग बैसलिंग जैसे मैच होता है उसमें सिडनी और एक हंटर कुछ नाम के, मतलब हंटर था ब्रिस्बेन, हाँ ब्रिस्बेन हिट के, हाँ उसके मैच लगाया था उसमें मैच। उस वाले मैच में कौन सा रैंक था आपका? फर्स्ट रैंक था मेरा। फर्स्ट रैंक था, क्या करते हैं आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं दिल्ली में क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा, दिल्ली में क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, पढ़ाई भी करता हूँ, 12th में जाने वाला हूँ अभी। हाँ। घर में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, दादा दादी है और भाई बहन सभी है। ये पापा है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आप दिल्ली में क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने जो राशि जीती वो आपने विड्रॉल कर लिया? नहीं है अभी तक, देखिए पैसा अभी अकाउंट में नहीं आया है क्योंकि वेरिफिकेशन चल रहा है, अब देखिए कब तक आता है। नहीं अभी तक तो नहीं आया। ड्रीम इलेवन पे खेलना स्टार्ट किया तो कितने टाइम से आप खेल रहे थे और कितनी बार में इतनी बड़ी अचीवमेंट? बहुत कम टाइम से खेल रहा था मैं, लगभग 6 महीने के करीब खेल रहा था जिसमें मैंने बीच में ड्रॉप भी किया था और धीरे धीरे करके छोड़ भी दिया था, फिर एक दो बार करके लगा लिया तो फिर आ गया। अच्छा, तो आ गया। तो आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं कि इतना चेहरे पे मुस्कान नहीं दिख रही है, क्या रीज़न है? जब भी मैं इंटरव्यू आपका देख रहा हूँ तो आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। ऐसा रीज़न नहीं है अभी तक, देखिए पैसा अभी अकाउंट में नहीं आया है क्योंकि वेरिफिकेशन चल रहा है, अब देखिए कब तक आता है। नहीं आया आपके अकाउंट? नहीं अभी तक तो नहीं आया पैसा आपके अकाउंट में। अब ये तो सभी हो गया वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल्स में जो है ज्वाइंट अकाउंट दिया गया डला गया था इसीलिए वो दिक्कत कर गया। अच्छा, तो वो रिजेक्ट कर दिया? हाँ रिजेक्ट कर दिया। तो अभी पैसा आपका पेंडिंग पड़ा होगा? हाँ हाँ। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि शानू मेहता है और थोड़े ही टाइम से खेलना स्टार्ट किए थे, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की। हालांकि इनको ड्रीम इलेवन के विड्रॉल सेक्शंस के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पता नहीं थी जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती हो गई और इनका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। हालांकि सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, 24 घंटे के अंदर में इनका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये अपने पैसे को विड्रॉल मार सकते हैं। फिलहाल अभी ये अपने पैसों को विड्रॉल नहीं मार पाए हैं जिसकी वजह से इनकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आज हम नहीं चला पाएंगे। बाकी आप जो बिग बैश लीग का सेमीफाइनल हुआ था ब्रिस्बेन हीट वर्सेज सिडनी थंडर के बीच, सिडनी सिक्सर्स के बीच, उस वाले मैच में जाकर के जैसे ही आप लीडर बोर्ड को ओपन करेंगे ना तो 1 करोड़ वाला जो कॉन्टेस्ट था जिसमें पहला प्राइज 1 करोड़ था उस पर शानू मेहता का नाम आएगा, उस पर वेरीफाइड में इनकी माँ का नाम रजना देवी भी आएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल शानू मेहता हमारे साथ है, थोड़ी सी निराशा है क्योंकि पैसे हाथ नहीं आई है, पैसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन निराशा होने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे आपके पास आएंगे क्योंकि ड्रीम इलेवन सबके पैसे। हाँ ये तो है, विश्वास है, ट्रस्ट भी है, इंडियन पेमेंट लिमिटेड है। ड्रीम इलेवन को थोड़ा बहुत सस्पेंसेस होता है कि नहीं कुछ फ्रॉड लग रहा है तो अकाउंट सस्पेंड कर देती है, बाद में कॉल करके वेरीफाई भी करती है, तो क्या आपको अभी तक ड्रीम इलेवन की तरफ से किसी भी अधिकारी ने फोन किया या नहीं? हाँ किया है अधिकारी ने फोन। अच्छा, बात हुई उनसे? हाँ बात हुई है। क्या हुआ? वो बोल रहा है कि आपका मतलब होगा, 24 घंटे के अंदर आपको पता चला जाएगा, क्या क्या डिटेल सब लिया है मेरे से। उसके साथ साथ कोई हैकर्स वगैरह का भी कॉल आया? नहीं, किसी का अभी तक कॉल नहीं आया। किसी का कॉल नहीं? नहीं। बाकी अभी तक पैसा आपका आपके पास? हाँ नहीं आया अभी तक। वो भी आ जाएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है, पैसे आने ही आने हैं, आपकी मेहनत के पैसे हैं और आना ही आना है।